Yes, now today we are going to discuss nutrition in animal, and this one is the introductory class for nutrition in animal. ठीक है ना? Nutrition in animal अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे. Nutrition in animal. ठीक है? अब देखेंगे, जरा गौर करेंगे इस पे कि nutrition in animal में हम लोग क्या देखते हैं, है ना? अभी तक हम लोग पढ़े हैं प्लांट, ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़े हैं. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या देखे हैं कि प्लांट्स आर सेल्फ डिपेंडेंट, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, प्लांट परफॉर्म्स द एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट क्या है, अपना भोजन खुद से वो बनाता है, खुद पे वो डिपेंड, उसको किसी दूसरे पे भोजन के लिए आश्रित नहीं होना है, है ना? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉप्स है. लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल के केस में पढ़ रहे हैं, तो एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स. अभी जस्ट इससे पहले पढ़े हैं, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, दैट्स व्हाई एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड. एनिमल जो है वो क्या है, दूसरे के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड करता है, निर्भर होता है. ठीक है ना? तो अब प्लांट ऑटोट्रॉप्स देखे, एनिमल्स जो हेटरोट्रॉप्स है, तो एनिमल्स को हेटरोट्रॉप्स है, तो एनिमल्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से या तो वो प्लांट के प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा या फिर एनिमल के प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा. प्लांट से बने हुए चीज को खाएगा या फिर एनिमल से बने हुए चीज को खाएगा. जैसे प्लांट, जैसे हम लोग रोटी दाल चावल जो खाते हैं, तो रोटी में हम लोग क्या व्हीट ले रहे हैं, रोटी में क्या व्हीट को कंज्यूम करते हैं, राइस को कंज्यूम करते हैं, पल्सेस को कंज्यूम करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं. ये सारे के सारे क्या है, दिस ऑल आर प्लांट प्रोडक्ट. एनिमल प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं क्या, कि हम लोग मिल्क ले रहे हैं, कर्ड ले रहे हैं, चीज ले रहे हैं, बटर ले रहे हैं, है ना, पनीर वगैरह जो खाते हैं, दिस ऑल आर द एनिमल प्रोडक्ट. लेकिन यहाँ पे दूसरे और तरीका से देखते हैं कि एनिमल जो है वो, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिल्क तो खाते ही है, लेकिन कुछ एनिमल्स जो है वो मीट खाता है, कुछ एनिमल जो है वो, है ना, फिश खाता है, कुछ एनिमल जो है, मतलब इस तरीके से एनिमल्स को प्रोटीन एग्स खाते हैं. तो कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं कि एनिमल जो है वो प्लांट्स के ऊपर में डिपेंडेंस है, के साथ साथ एनिमल्स के ऊपर में भी डिपेंड है ना? क्यों? क्योंकि एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, वी आर द ह्यूमन बींग एंड वी आर ऑल्सो अंडर द कैटेगोरी ऑफ एनिमल्स. हम लोग एनिमल्स में ही आते हैं, एनिमल के कैटेगोरी में ही आते हैं. तो हम लोग क्या है, प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट या फिर अदर एनिमल्स से हम लोग फूड को गेन करते हैं, रिट्राइव करते हैं. अब आगे जो हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स कैसे, यानी ये इंट्रोडक्शन में कि एनिमल्स कैसे लेता है ना, प्लांट को कंज्यूम करता है, और एनिमल कैसे एनिमल को कंज्यूम करता है, इसके बारे में देखेंगे. तो जनरली हम लोग जो देखते हैं कि जो हर्बीवोरस होते हैं, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेयर वाइज पढ़ेंगे. तो जो एनिमल्स हैं, जो हेटरोट्रॉप्स हैं, हेटरोट्रॉप्स को तीन ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है ना? हेटरोट्रॉप्स को तीन ग्रुप में बांटा गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस में बांटा गया है. यानी हम लोग अभी जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एनिमल में देख रहे हैं कि ये जो है एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर देयर फूड. यानी क्या है कि एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और हेटरोट्रॉप्स होते हैं कहने का क्या मतलब है कि ये कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और ये फूड जो लेता है वो कहां से लेता है, तो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम प्लांट ऑब्लिक प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल्स में क्या है, अदर एनिमल्स, यहां पे लिखेंगे अदर या अनदर एनिमल्स लिखेंगे, है ना? यानी क्या देख रहे हैं कि एनिमल्स होता है वो हेटरोट्रॉप्स होता है, दैट मींस क्या कि ये दूसरे पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए. तो ये फूड कहां से लेगा, या तो प्लांट से लेगा, प्लांट के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेगा, जैसे फ्रूट्स हम लोग खाते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट हुआ,
प्लांट्स खाते हैं, तो प्लांट्स में क्या है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स में स्पिनच वगैरह हुआ, साग सब्जी जो खाते हैं वो प्लांट को डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। प्लांट प्रोडक्ट तो जो फ्रूट हुआ, ग्रेन्स हुआ, ये प्लांट के प्रोडक्ट हुए। हम लोग अदर एनिमल्स को कंज्यूम करता है, एक एनिमल दूसरे एनिमल को किल करके खाता है ना, मार करके खाता है। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि इसका लेयर्स है, लेयर्स में बटा हुआ हेटरोट्रॉप्स है। तो कैसे प्लांट जो है वो एनिमल से फूड ऑब्टेन करता है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो हेटरोट्रॉप्स है, ये हेटरोट्रॉप्स जो है, हेटरोट्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, ये तीन ग्रुप्स में बटेगा, है ना। जिसमें सबसे पहला क्या होगा, हर्बीवोरस, है ना। दूसरा जो होगा वो होगा कार्निवोरस, हर्बीवोरस एनिमल्स यहां पे लिखते हैं, फिर क्या हो जाएगा, कार्निवोरस एनिमल्स हो जाएगा। और तीसरा जो है वो हो जाएगा ओमनीवोरस एनिमल्स होगा, है ना। यानी हेटरोट्रॉप्स का ये तीन लेयर यहां पे देख रहे हैं, तीन ग्रुप्स में हेटरोट्रॉप्स को क्लासिफाई किया गया। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं, है ना, कि एनिमल्स कैसे तीन लेयर्स में, यहां पे हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स कैसे फूड ऑब्टेन करता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, जैसे गोट हुआ, तो गोट जो है वो हर्बीवोरस होता है, डियर जो है वो क्या है, हर्बीवोरस है, काउ जो है वो क्या है, हर्बीवोरस है। यानी ये डायरेक्टली जो है वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करता है, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली किस पे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे, यानी प्लांट पे, डायरेक्टली जो प्लांट पे डिपेंड है उसको हर्बीवोरस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, हर्बीवोरस एनिमल की दोज, सिंपल में यहां पर लिखेंगे दोज विच कंज्यूम्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट, है ना। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ही खाएंगे तो उसको हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल में हुआ काऊ हुआ, है ना, गोट हुआ, है ना, डियर हुआ, इटीसी। इस तरीके से ये जो एनिमल्स जो देख रहे हैं ये कंप्लीट पूरा का पूरा एकदम प्लांटे के प्रोडक्ट को ये कंज्यूम करेगा, है ना, दूसरा किसी प्रोडक्ट को ये नहीं खाता है। तो डायरेक्टली ये प्लांट को कंज्यूम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं। दूसरा जो है वो कार्निवोरस एनिमल है ना। तो कार्निवोरस एनिमल किसको बोलेंगे, वैसे एनिमल, यानी दोस एनिमल, यहां पे इसको लिखेंगे दोस एनिमल्स विच कंज्यूम ओनली अदर एनिमल्स, है ना। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, लायन, टाइगर, है ना, इटीसी। यानी वैसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवर को मार करके खाते हैं, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं, जो मांस खाने वाला होता है। हर्बीवोरस को हम लोग शुद्ध शाकाहारी बोलते हैं, और कार्निवोरस को हम लोग क्या बोलेंगे, मांसाहारी बोलेंगे, जो कंप्लीट दूसरे एनिमल को मार करके खाता है, केवल मांस ही खाता है, है ना, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होता है, ये कभी घास फूस खाने का प्लांट के प्रोडक्ट को कंज्यूम डायरेक्टली नहीं करता है, तो उसको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो कार्निवोरस है ना वो क्या है, इनडायरेक्टली हर्बीवोरस पे डिपेंड्स है ना, और ये इनडायरेक्टली क्या है, प्लांट को ही ये खाता है, कंज्यूम करता है। जैसे समझेंगे कि गोट जो है या फिर डियर है या फिर काऊ है, ये डायरेक्टली प्लांट को खाएगा, प्लांट को खाने से नहीं जीवित है, प्लांट को खाया तब ये जाकर के ये जीवित है। अब क्या है कि जो कार्निवोरस है ये क्या करता है, लायन या टाइगर जो है वो क्या करता है, काऊ को मारता है, गोट को मारता है, गोट को पकड़ के मार दिया, डियर को पकड़ के मार के, और तब इसको खाता है। तो ये है तभी ना ये भोजन कर रहा है। तो क्या है कि डायरेक्टली ये एनिमल्स पे डिपेंड है, लेकिन ये इनडायरेक्टली क्या है, प्लांट्स पे डिपेंड है, क्योंकि प्लांट है तब गोट खाया, और गोट जब खाया तो वो डेवलप किया, गोट को फिर लायन खाया। यानी क्या हुआ कि ये डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड्स है या फिर अदर इस पे डिपेंड्स है, ठीक।